बहुत कहते हैं कि मुसलमानों को हमने टाइट कर दिया मुसलमानों को क्या टाइट कर दिया चाहे साइकिल में पंचर लगवाना हो चाहे गाड़ी ठीक करानी हो चाहे कोई मिस्त्री का काम कराना हो चाहे सब्जी खरीदनी हो चाहे फल खरीदना हो सब जगह मुस्लिम अपना रोजगार कर रहा हजार दो हजार रुपये अपने घर आराम से कमा के ले जाता है तुम्हारा बेटा क्या करता है जय श्री राम जय बजरंग बली और उसे काट दो और उसे काट दो और उसे काट दो यही काम करेगा घर से दस रुपये खर्च करेगा

वो तुम्हें सस्ता दे रही है सरकार और उसे महंगा दे रही है क्या दे रही है उसे पेट्रो, पेट्रोल तुम्हें सस्ता दे रहे हैं या ही राम करूं मैं जाकर बाहर और बजरंग बली के नारे लगाऊं और मोदी के जयकारे करूं क्या सस्ता मिल रहा हूं ना तो फिर क्यों गुलामी कर रहा हूं मैं क्यों अंधभक्ति में पड़ा हूं यह है सारा कारण मोदी ने जितनी भी सरकारी इंडस्ट्री थी सब प्राइवेट में दे दी क्यों दी के देश से आरक्षण को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका उसने ढूंढा ये मोदी बेकूफ बना रहा है जनता का जनता का आप चुनाव आ रहे हैं जनता महंगाई पे कोई बात ना करे शिक्षा पे कोई बात ना करे रोजगार पे कोई बात ना करे सुरक्षा पे कोई बात ना करे इन सब को से लोगों का ध्यान हट जाए और तुम्हें हिंदू मुस्लिम पे लड़ा दे देश के अंदर एक परसेंट है सिख समाज जैन समाज बौद्ध समाज बहुत कम है उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम खतरे में हैं और तुमसे सत्तर पिछहत्तर परसेंट अस्सी परसेंट हिंदू से रोज कहलवा देते हैं कि हिंदू खतरे में है ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है ना सिख खतरे में है ना ईसाई खतरे में है इनका चश्मा उतार के देख लो ये बीजेपी वाले खतरे में है कुर्सी जारी है